नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट स्लैश पे। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, तो ऑपरेटर्स पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपने अब तक जब भी पढ़ा है, स्कूल से आप अभी तक कॉलेज में पहुंचे हैं, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन। तो ये आपने चार ऑपरेशन पढ़े हुए हैं। ये क्या है आपके? एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन में आप दो चीजों को ऐड करते हो आपस में, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड। तो आपके ये सिंपल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए, जिनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगर आपको याद हो तो इनका नाम होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सेम तरीके से, सिमिलर तरीके से हमारे पास पाइथन में मल्टीपल तरह के ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंट तरीके काम करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब पाइथन में ना हमारे पास टोटल ओवरऑल सात तरीके की कैटेगरीज होती है ऑपरेटर्स की। पहली है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। दूसरी है आपके पास असाइनमेंट। तीसरी है आपके पास कंपैरिजन। चौथी है लॉजिकल। पांचवी है आपके पास बिटवाइज। फिर है आपके पास आइडेंटिटी। फिर है आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ओके, तो ये टोटल अगर आप देखते हैं तो हमारे पास सात तरीके के ऑपरेटर्स है ओवरऑल, आप गिन सकते हैं। ठीक है, देर आर सेवन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब हम ये क्या करेंगे, हम सबको वन बाय वन पढ़ेंगे और सबके अंदर देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किनको बोलते हैं। ये तो कैटेगरीज है, अब इनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स प्रेजेंट है वो देखेंगे। अच्छा, अब ये ना हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स हो गए, सात तरह के ऑपरेटर्स हो गए, तो मैं क्या करूंगा कि ये सात के सात ऑपरेटर्स ना आपको दो अलग अलग लेक्चर्स में, दो अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अर्थमेटिक और असाइनमेंट, क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, और शायद कंपेरिजन भी कवर कर लेंगे, और जो आपकी दूसरी वीडियो है उसमें मैं बाकी कवर करूंगा। तो आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, दूसरी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो आइए देखते हैं, पहले पहला क्या है हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं देखेंगे हम। आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, मैं कमेंट बना के लिख रहा हूं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, ये तो चारों आपको पता ही है, सिंपल है। फिर ये जो आपका हमने लिखा डबल स्लैश, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फिर आता है आपका डबल एस्ट्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका है पावर ऑपरेटर। ठीक है, पावर निकालने के लिए होता है पावर, या फिर आप इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। फिर अगला आता है हमारे पास मॉडुलस, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आप रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है, हम समझेंगे, समझते हैं कैसे, वन बाय वन सबको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स जिसकी वैल्यू है 5, एक वेरिएबल है वाई जिसकी वैल्यू है 2। अब क्या करना है, मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिंपल दोनों ऐड होगा। ठीक है, अगर हम लिखते हैं प्रिंट जेड, तब लिखेंगे ये 7 दे देगा। ठीक है, अब हम इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे तो मैंने क्या करा कि डेटा को डायरेक्ट, डेटा को हमने वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि वेरिएबल में स्टोर कराने के बजाय मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करा दूँ, सेम बात है। तो मैं इसी तरीके से आपको सारे ऑपरेटर्स दिखाऊंगा वन बाय वन। ये हो गया, फिर हमारा अगला है प्रिंट एक्स माइनस वाई। हम चाहे तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम हमारा आ रहा है, ये सम कॉलन, ये क्या है हमारा डिफरेंस निकाल के देगा हमें, डिफरेंस को एक्स माइनस वाई। ठीक है, हमने लिखा प्रिंट, फिर आएगा आपका प्रोडक्ट, अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट आता है ना, तो आपका अगला होगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। फिर आपका आएगा प्रिंट, अगला जब हम करते हैं तो आपका क्वेश्चन आता है, तो ये आपको देगा एक्स डिवाइड बाय वाई। ठीक है, ये चारों देखते हैं अभी सिर्फ, तो देखेंगे सम 7 आ गया, एक्स प्लस वाई 7 है, एक्स माइनस वाई मतलब 5 माइनस 2
थ्री होता है 5 × 2, 10 होता है, 5 / 2, 2.5 होता है। अब देखिए, अब जब हमने 5 को 2 से डिवाइड करा, मतलब x डिवाइड बाय y लिखा है जो हमने, जब हम डिवाइड करा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर 2.5 में आ गया, फ्लोट में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 4/2, तो तब भी आपका आंसर आएगा फ्लोट में। तो ध्यान रखिएगा कि पाइथन के अंदर डिविजन का आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। पाइथन 3 में, पाइथन 3 स्पेसिफिकली गिव्स अ फ्लोट आउटपुट इन केस ऑफ डिविजन। ठीक है, अब बाकी के देखते हैं। अब मैथ्स में ना आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, अपने कंसेप्ट आता होगा आपको, राउंड ऑफ करना, जो लोग 0.5 के बेसिस पे करते हैं। मैंने बोला यार अगर मेरे पास 3.54 है, ठीक है, तो उसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 3.1 का राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक डिपेंडिंग ऑन 0.5 से बड़ा है, 0.5 से छोटा है। लेकिन अगर हमारे पास 3.1 है तो 3.1 में आपका आंसर आ रहा है 3। ठीक है, 3.5 या 3.6 का आंसर आ रहा है आपका 4। तो ये तो आपके 0.5 के बेसिस पर हो रहा है। सिमिलर तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट होता है मैथ्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर करना। तो फ्लोर का एसेंशियली मीनिंग क्या होता है? राउंड डाउन। वो हमेशा राउंड डाउन ही करेगा। मतलब अगर आप 3.9 का भी राउंड ऑफ करो, 3.9 का अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो आपका आएगा 4। लेकिन अगर आप 3.9 का फ्लोर निकालते हो तो 3.9 का फ्लोर क्या आएगा? 3। 3.1 का भी 3 आएगा, 3.9 का भी 3 आएगा, 3.99 का भी 3 आएगा। तो फ्लोर क्या होता है? राउंड डाउन, वो हमेशा राउंड डाउन करता है। ऐसे हमारे पास मैथ्स में कंसेप्ट होता है सील। तो सील क्या करता है? हमेशा राउंड अप। ठीक है, सील क्या करेगा? आपका हमेशा राउंड अप करेगा। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब मैं इसी कंसेप्ट को, जो फ्लोर वाला कंसेप्ट है, इसको मैं यूज करूंगा फ्लोर डिविजन में। हमने अभी देखा फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन का में क्या होता है कि जब भी आप फ्लोर डिवीजन करते हो, जैसे हम ये एग्जांपल लेंगे, अगर ये तीनों हटा देते हैं, अब मैं फ्लोर डिवीजन कर रहा हूं, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर नहीं कर रहा, फ्लोर तो होगा ही, मैं फ्लोर डिवीजन कर रहा हूं। तो फ्लोर डिवीजन में क्या होगा? पहले वो डिवाइड करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको फ्लोर कर देगा। इसमें हम लिखेंगे एक्स डबल स्लैश वाई। अब डिफरेंस देखिए आंसर में 2.5 और 2 आया। तो जब हम डिवाइड कर रहे थे वो आंसर 2.5 दे रहे, जो भी क्वेश्चन है। लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या होगा कि जो क्वेश्चन आया उसने उसको फ्लोर कर दिया। तो 2.5 का फ्लोर क्या होगा? 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारा पावर ऑपरेटर है। हम लिखा प्रिंट 4/2। ठीक है, एक्स डबल स्टार वाई। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं एक्स इंटू वाई, मैं लिखता हूं एक्स इंटू वाई, तो ये क्या करेगा? मेरे को प्रोडक्ट दे देगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन जब मैंने डबल स्लैश लगाया, डबल स्टार लगाया, तो उस केस में क्या हुआ कि उसने उसकी पावर कर दी, 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। यह आपका हो गया पावर ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्स इक्वल टू 5 है, y = 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडुलस ऑपरेटर, लास्ट आप देखेंगे हमारा ये मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है कि वो ना आपको रिमाइंडर बना के देगा हमेशा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5 / 2, तो देखिए 2.5 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी का लिखूँ प्रिंट 5 modulus 2, तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर आप करके देख लेते फटाफट से। ठीक है, हमारे पास 5 है, 2 है, मैंने लिखा 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1। तो ये क्या देगा? 5 modulus 2 का देगा आपको रिमाइंडर देगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? हमें रिमाइंडर देता है। अब आप सोचेंगे कि रिमाइंडर ऑपरेटर का फायदा क्या है? चलिए, प्रोडक्ट का समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन का समझ में आ गया कि फायदा क्या है उनका। लेकिन रिमाइंडर का फायदा क्या होता है कि अगर हमें ये चेक करना है कि एक पर्टिकुलर नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो उस हम कैसे चेक करेंगे? मॉडुलस से। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं प्रिंट 4 modulus 2, तो हमें पता है कि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम करेंगे आंसर 0 आएगा। तो जब भी एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो आंसर
जीरो आएगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो आंसर जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, और उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जितना आंसर आ रहा है वो जो है उतना अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे एक्चुअल नंबर में से तो वो आपका डिविजिबल बन जाएगा. जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा 63 मॉडुलस 5, तो आपका रिमाइंडर आया 3. मतलब अगर मैं 63 में से 3 निकाल देता हूं और फिर मॉड करता हूं 5 का, तो आपका देखेंगे 0 आएगा. ये क्या हुआ एक्चुअल में, इसका मतलब क्या है, 60 मॉडुलस 5, सेम चीज हुआ. तो रिमाइंडर से हमें दो चीजें समझ में आ रही कि एक चीज दूसरे से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, पहली चीज. दूसरी चीज हमें ये समझ में आ रही कि अगर डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है, तो मैं उसमें से कितना निकाल दूंगा उसको डिवाइड डिविजिबल बनाने के लिए. ठीक है, तो उम्मीद है आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे समझ में आए होंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्या है हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर. और आपका असाइनमेंट ऑपरेटर ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह ही काम करता है. देखते हैं कि होता क्या है, कि तरह काम नहीं करता लेकिन आप बोल सकते हैं कि उसको यूज करता है. असाइनमेंट ऑपरेटर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन, असाइनमेंट ऑपरेटर इज बेसिकली बेस्ड ऑन अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑनली. पहला आपका आता है इक्वल टू. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके होते हैं 7, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं आपके 8. पहला हुआ इक्वल टू, दूसरा हुआ आपका प्लस इक्वल टू, फिर माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवाइड इक्वल टू. अब हम ये फ्लोर डिविजन चीज हटा देते हैं, आपको समझ में तो आई गई है. ठीक है, पावर इक्वल टू, फिर आता है आपका मॉडुलस इक्वल टू. ठीक है, ये आपके टोटल 8 तरीके के ऑपरेटर्स हैं. हम देखते हैं वन बाय वन कि इनमें होता क्या. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अपने कोड में x इक्वल टू 5, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर x वेरिएबल इज असाइंड द वैल्यू 5. बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है बोलने में. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि इस यहां पर हमने 5 की वैल्यू, 5 जो डेटा है उसको हमने x को असाइन कर दिया है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि वो असाइन करने के लिए यूज होता है. हो गया, अब यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ कोड में x इक्वल टू x प्लस 2, प्रिंट x, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आ गया. तो इस जगह पर क्या हुआ समझते हैं, इसने पहले क्या करा, फैच करा x की वैल्यू, फैच x करा, कहाँ से फैच करा, मेमोरी में से. हमने एक्स को स्टोर कर दिया मेमोरी में, तो इसने एक्स की वैल्यू को मेमोरी में से फेच करा, फिर इसने ऐड करा, ऐड 2 टू एक्स, फिर इसने नेक्स्ट स्टेप क्या करी, इसने स्टोर द सम इन एक्स अगेन. तो इसने एक्स से डेटा उठाया, उस डेटा उठाया उसमें ऐड करा और जो आंसर आया उसको वापस एक्स के अंदर डाल दिया. ठीक है, तो ये वाला काम अगर जब भी हम कर रहे होते हैं ना, तो ये सेम कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, एक्स प्लस इक्वल टू 2. अब देखेंगे ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यहां पर यूज कर लिया, तो ये कोड लिखो या फिर आप एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखो, सेम बात है. ठीक है, यहां पर हम एक्स इक्वल टू 5 लिख लेते हैं दोबारा, और यहां पर हम लिख लेते हैं प्रिंट एक्स. चाहे तो आप इसको भी एक ही जगह पर डाल दीजिए. ठीक है, दोनों का आंसर आप देखेंगे 7 आ रहे. अब एक्स प्लस इक्वल टू लिखो या फिर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखो, सेम बात है. सिमिलर तरीके से अगर हम लिखते हैं एक्स माइनस इक्वल टू 2, तो दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. ठीक है, आप लिखते हो एक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2. ध्यान रखना मल्टीप्लाई और इक्वल टू के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2. यहाँ पे आप स्पेस दे दो, जितने मर्जी दे दो चलेगा, लेकिन इक्वल टू और मल्टीप्लाई के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर में, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ऑपरेटर माना जाता है. फिर हमने लिखा एक्स डिवाइड इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 2. ठीक है, फिर हमने लिखा फ्लोर डिवाइड इक्वल टू 2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल स्लैश 2. वही फ्लोर डिविजन कर दिया हमने. फिर हमने लिखा एक्स डबल स्टार इक्वल टू 2, पावर इक्वल टू मतलब. फिर ये क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर
एक्स मॉडुलस इक्वल टू टू, इसका मतलब हुआ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस टू। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। एक बार आप, मैं एक सजेस्ट करूँ कि आप एक बार सारे के सारे एक बार रन करके देखो, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर जब ना असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करें या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करें, तो ये दोनों ऑपरेटर्स ना आपके, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स पढ़ तो लिए लेकिन यूज कहाँ पर होंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, कि मान लीजिए कि आपके पास पांच सब्जेक्ट है, आपको इन पांच सब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेटर यूज करोगे आप, मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मतलब जो पांच सब्जेक्ट्स के अंदर जो ऑपरेटर्स है उन सबको हमें अगर आपस में ऐड करना है तो हम उसके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या हुआ कि अगर अगर मान लीजिए कि लेट्स से मेरे मैथ्स में 88 आ गया, ठीक है, अब टीचर ने बोला है कि मुझे ना दो नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं, या फिर मान लीजिए मैंने क्रॉस चेक करवाया, ठीक है, रीचेकिंग करवाई, तो मुझे दो नंबर बढ़ाने हैं, तो मेरे जो करंट नंबर आ रखे हैं, मतलब मेरे पास करंटली कितने हैं, मेरे पास मैथ्स में करंटली 88 आ रखे हैं, अब मुझे मैथ्स में दो बढ़ाने हैं, तो मैं लिखूंगा प्लस इक्वल टू टू, तो अगर हम करते हैं प्रिंट मैथ्स तो इसका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम लोग ये ऑपरेटर्स जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ऑपरेटर्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका हर जगह यूज होता है। कोई भी हम काम करते हैं तो सारी की सारी कैलकुलेशन ही है ना, मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, तो एनकोडिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स, तो ये चीज ध्यान रखेगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर्स बहुत सारे। ठीक है, ये जो आपके बचे हुए ऑपरेटर्स है, कंपेरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, आइडेंटिटी और मेंबरशिप, ये हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, दैट इज ऑल।